नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने पिछली पार्ट जिसका नाम है मीठी सारंगी के अगले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं पेज नंबर 60 के अभ्यास प्रश्नों को। पेज नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि ऊपर दिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। इसके पहले हमने जो प्रश्न किया था उसमें आपको एक टेबल दिया गया था, उस टेबल में आपको कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के कुछ बाजाओं के नाम दिए गए हुए थे। उन बाजाओं को हमने क्या किया था, एक सीक्वेंस में एक उसमें जमाया था, जिसमें हमारा था थाप वाला बाजा, जिसे हम थाप वाला बाजा कहते हैं, जिसे हम हाथ से बजाते हैं अपने तालियों की थाप दे करके। दूसरा था तार वाला बाजा, जिसमें हम तारों को छेड़ करके, है ना, तारों को छेड़ करके और जिससे आवाज निकलती है, एक दूसरा ग्रुप वो था। और तीसरा था अन्य वाला, जिसमें ना ही हम थाप का उपयोग करते हैं और ना ही तारों का उपयोग करते हैं, उसमें और भी कुछ अलग तरीके से उसे बजाया जाता है। अब उन्हीं बाजाओं को हम यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि उन बाजाओं को आप, उनमें से कौन से बाजाओं को आप किन स्थानों पे बजाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी या बस में। तो बच्चों, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब हम सफर में जाते हैं तो अक्सर रेलगाड़ी या बसों में छोटे छोटे से बच्चे या फिर कई बार बड़े या कोई बुजुर्ग भी इन बाजाओं को लेकर के चलते हैं और आपसे कुछ मांगते हुए नजर आते हैं, है ना। तो वो जो बाजा जो यूज करते हैं वो क्या रहता है, इकतारा, दफली और बांसुरी। कई बार लोग इसे अपने मनोरंजन के लिए भी अपने साथ में लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि घर पर किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है। अगर हमारे घर में कोई अवसर हो रहा है, जैसे भजन कीर्तन हो रहा है ना, या कोई शादी ब्याह हो रहा है, तो उस टाइम पे हम कौन सा बाजा बजाते हैं। तो हमारा क्या रहता है, गिटार, ढोलक, हारमोनियम और शहनाई। इसी प्रकार से भजन कीर्तन में, तो भजन कीर्तन में भी हम क्या यूज करते हैं, बांसुरी यूज करते हैं, हारमोनियम यूज करते हैं, ढोलक यूज करते हैं और डफली यूज करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि स्कूल में किसी अवसर पर, अगर स्कूल में, आपके स्कूल में कोई अवसर हो रहा है ना, किसी प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, तब आप कौन से बाजों को यूज करते हैं। वैसे तो बच्चों, स्कूल में हमें लगभग सारे बाजाओं को बजाने का क्या दिया जाता है, हमें क्लास दी जाती है ना, कि सिखाया जाता है कि किस बाजा को हम किस तरीके से बजा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग जितने भी बाजा हैं, सभी के नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि सितार, गिटार, तबला, ढोलक, डफली, बांसुरी और हारमोनियम। अब आते हैं हम अपने अगले पेज, इसमें पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में आपसे पूछा गया है कि नीचे लिखे खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो आपके बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर आपको कुछ खाने पीने के चीजों के नाम दिए गए हैं और उनको आपको उनके स्वाद के अनुसार एक टेबल, एक चार्ट तैयार करना है, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट में, फर्स्ट जो लाइन आ रही है आपकी, क्या आ रही है, आम, नींबू, आंवला और जलजीरा। और इन तीनों का स्वाद कैसा होता है, चारों का खट्टा होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले टेबल में, जिसमें आपका क्या है, मिर्च का अचार, अदरक, करेला और नमक। ये जो तीनों ही, ये जो चारों हैं, इन चारों का स्वाद लगभग खारा और थोड़ा सा कसैलापन दिया हुआ होता है, हल्की सी उसमें तीखापन होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने तीसरे टेबल पे, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, चीनी, शहद और दूध। और हम जानते हैं कि इन तीनों का ही स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। नाउ प्रश्न नंबर आपको देते हैं, अंगार, है ना। इसमें क्या पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अंक की बिंदु लगा।
प्रश्न दिया गया हुआ है प्रश्न नंबर क, ख और घ। ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको अपने अनुसार उसका उत्तर लिखना है, वो तीनों आपको खुद से करना है। इसलिए हमने केवल प्रश्न नंबर क और प्रश्न नंबर अंगा को दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर अंगा में आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और अंकी बिंदु लगाओ। तो हम इसे वन बाई वन अंकी करके इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें हम बिंदुओं को लगाते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, चांद, जबकि हम पढ़ते क्या है, चांद है ना। तो हमारे चांद के ऊपर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु, तो ये बन जाएगा चांद। फिर आते हैं हम, क्या दिया हुआ है, चंदन, ठीक है। तो यहाँ पे चांद में क्या आ जाएगा, अंकी बिंदु लग जाएगी, तो ये हो जाएगा चंदन। इसके बाद आते हैं, ये क्या दिया हुआ है, झांसी, जबकि हमारा होता क्या है, झांसी, मतलब झा में हमारा यहाँ पे लगेगा चंद्र बिंदु। और इसी प्रकार से ये क्या दिया हुआ है, झज्झर, जबकि हम पढ़ते क्या है, झंझर, इसलिए झा के ऊपर हमारी अंकी बिंदु लग जाएगी और ये बन जाएगा झंझर। इसके नीचे दिया हुआ है क्या आपको, मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार में भी हम क्या लगाते हैं, माँ के ऊपर हमारा अंकी अंकी बिंदु आती है। फिर आपको सेकंड नाम दिया हुआ है क्या, मांगना, मांगना में हमारे माँ के ऊपर आता है चंद्र बिंदु, मांगना। इसके बाद है कक्कड़, तो कक्कड़ नहीं होता, ये क्या होता है, कंकड़, तो हमारा आ जाएगा कर के ऊपर अंकी बिंदु। फिर ये होता है क्या, कांपना, जबकि कांपना नहीं होता है, क्या होता है, कांपना, तो कर के ऊपर आ जाएगा क्या, चंद्र बिंदु। देन नेक्स्ट सुंदर, सुंदर, क्या सुंदर होता है, नहीं, क्या होता है, सुंदर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साथी ऊपर अंकी बिंदु। फिर ये क्या दिया हुआ है, सांप, जबकि सांप नहीं होता है, क्या होता है, सांप, तो सांप के ऊपर आ जाएगा चंद्र बिंदु। फिर है क्या, अधा, जबकि अधा नहीं होता है, क्या होता है, अंधा, तो आपके ऊपर लग जाएगा अंकी बिंदु। और इसी प्रकार से ये दिया हुआ है आधी, जबकि होता क्या है, आंधी, तो आपके ऊपर आ जाएगा चंद्र बिंदु। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करना है, पूरा करना है और फिर हमें कॉपी भेजना है। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।